मेरा नया इन्वेंशन। इस मशीन में अगर तुम कोई भी पुरानी चीज डालोगे तो वो एकदम ब्रांड न्यू बन जाएगी यारो। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी मशीन है। मेरा मोटरसाइकिल बहुत पुराना हो गया है डॉक्टर जटका, इसको नया बना दो, फिर चलाने का और भी मजा आएगा। डंग 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 डंग। यार इस मशीन की एक और खासियत है, सामान नया होने के बाद सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानेगा और आपके अलावा कोई और इस मोटरसाइकिल को नहीं चला पाएगा चिंगम सर। हाँ ये तो और भी अच्छी बात है, मेरा मोटरसाइकिल कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। मेरा नया मोटरसाइकिल डॉक्टर झटका, यू आर ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर झटका, मुझे मेरे ही मोटरसाइकिल ने फेंक दिया, तुम्हारे मशीन में कुछ गड़बड़ी है। मुझे मेरे मोटरसाइकिल ने बैठने क्यों नहीं दिया? क्यों 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 क्यों? अयो माँ मोटू पतलू अप्पा फाइनली दोस्त सांपर बचाओ डॉक्टर झटका। चिंगम सर अगर ये ऐसा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आप इस मोटरसाइकिल के असली मालिक नहीं हो। आप अच्छे से याद करो यार, याद करो या आपने खुद ही इसे खरीदा था। ये अपने असली मालिक को ढूंढने जा रही है यार। हाँ अयो मैं याद आया, मेरे अप्पा बब्बल गम ने ये मोटरसाइकिल मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। बर्थडे तो लगता है आपकी मोटरसाइकिल उन्हीं के पास जा रही है। हम भी बब्बल गम सर के पास चलते हैं, चलो। जा रहे हो इंडिया की कसम, मैं तो इंडिया की कसम, रुक जाओ। वेलकम सर साथ चलिए, सब बताते हैं। वो रही मोटरसाइकिल। अप्पा ये आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दी थी, जाओ उसे ले आओ। अप्पा यार लगता है बबलगम सर भी इसके असली मालिक नहीं है। हाँ यार अरे क्या मालिक लगा रखा है, मोटरसाइकिल को पकड़ो। अरे हमको मोटरसाइकिल पकड़ने का 20 साल का तजुर्बा है, सब मिलके एक साथ में अटैक करो। बबलगम सर ये मोटरसाइकिल अपने मालिक को ढूंढ रही है, इसने आपको भी गिरा दिया। सच सच बताइए ये मोटरसाइकिल है किसकी? नहीं नहीं मैंने ये चिंगम को गिफ्ट दिए थे। हाँ पर सर इसका असली मालिक कौन है, क्या आपने ही खरीदी थी? चिंगम माय सन प्लीज डोंट माइंड, तुम मोटरसाइकिल बोल के बहुत जिद कर रहे थे, तो मैं एक कबाड़ी वाले से पुराना मोटरसाइकिल खरीद के उसको डेंटिंग पेंटिंग करवा दिया था। सॉरी वेरी सॉरी। अप्पा आपने अपने बेटे को, प्यारे बेटे को सेकंड हैंड मोटरसाइकिल गिफ्ट किया, आपने ऐसा क्यों किया? अरे रोना धोना बाद में करना, मोटरसाइकिल भाग गई है, पहले उसे पकड़ो। वेलकम सर आपने किस कबाड़ी वाले से मोटरसाइकिल खरीदी थी? पूरपुरी नगर आइस फैक्ट्री वाले चौक से। तो
अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तो बताओ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे चलो ना, रास्ते में सब बताते हैं। अरे कबाड़ी वाले, तुमने जो बबलगम सर को एक मोटरसाइकिल बेची थी ना, वो भाग गई है। चलो उसे पकड़ना है, वो तुमसे ही कंट्रोल में आएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कोई कमांडो नहीं जो इस तरह मोटरसाइकिल पे उतर सकूं। बचाओ, पुलिस! पुलिस इधर ही है, और वो मोटरसाइकिल पुलिस की ही है। हमारी मदद करो, वरना मोटरसाइकिल की कसम जेल में डाल दूंगा। ऊपर वाले! भैया बस एक बार बैठ कर मोटरसाइकिल को रोक लो। बुढ़ी बाबा, इसका मतलब यह है कि मोटरसाइकिल काबाड़ी वाले का भी नहीं है। अरे इस मोटरसाइकिल ने तो परेशान कर दिया है। डॉक्टर झटका, रस्सी मुझे दो। सच्चा तो मेरा पुराना मोटरसाइकिल ही अच्छा था, मैं उसको क्यों नया करवाने गया? चिंगम सर यार, मशीन में जो चीज एक बार नहीं हो गई, तो फिर पुरानी नहीं हो सकती यार। वो देखो, मोटरसाइकिल जंगल की ओर जा रही है। बुड़ी मामा, जानवर लोग भी मोटरसाइकिल चलाता है क्या? नंबर वन, नंबर टू, ये नई मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई? पहली बार कुआं खुद प्यासे के पास चल के आया है। पुत्रो, ये जॉन किस कुएं की बात कर रहा है? अरे मोटू, ये एक मुहावरा है। ये मजे आ गए। बस बस, आप कहो तो हम इसको चला कर देखें। ठीक है, चला लो। बस बस, ये मोटरसाइकिल तो हमें बैठने ही नहीं दे रही है। क्या बकते हो? ऐ मोटरसाइकिल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे लोगों को गिरा दिया? तो मोटरसाइकिल का असली मालिक जॉन है। बस वाह, आपसे तो मोटरसाइकिल डर गई। आपके बैठते ही खुशी खुशी चल रही है। हमें भी बिठा लेना प्लीज। पर वो मोटरसाइकिल मेरी है, मुझे वापस चाहिए। जॉन ने उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया था, उस पर अब जॉन का कोई हक नहीं है। जॉन, ये मोटरसाइकिल लौटा दो। क्यों लौटा दो? मैंने इसे चुराया नहीं, ये चल के खुद मेरे पास आई थी, तो ये अब मेरी हुई ना। जॉन, अगर तुमने अपने आप मोटरसाइकिल नहीं लौटाई तो हम छीन लेंगे। ओके, छीन सको तो छीन लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। मारो और मारो, बहुत दिनों बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है। मोटू कुछ करो। अरे क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, मोटू ये लो, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। रोक लो मोटरसाइकिल को। नहीं।
मोटरसाइकिल। इतनी अच्छी मोटरसाइकिल हाथ से निकल गई। मोटू, लगता है तुमने मोटरसाइकिल को कंट्रोल किया तो वो तुम्हें अपना मालिक समझ रही है। देखो मोटरसाइकिल, आज से चिंगम सर ही तुम्हारे असली मालिक है। उनके पास जाओ, जाओ। थैंक यू मोटू पतलू।